वेलकम टू स्वरा एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आलू की कचौरी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं 6 आलू उबाल के पहले से ही रखी थी और मैं मीडियम साइज़ के 2 प्याज और 4 हरी मिर्ची काट ली हूँ। मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हम आलू को अच्छे से मैश कर लिए हैं। मैं आलू को फ्राई करूँगी, इसके लिए मैं चलती हूँ कढ़ाई की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। मेरा कढ़ाई गर्म हो रहा है, मैं इसमें तेल डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें तेल डाल दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 बड़े साइज का तेज पत्ता और मैं 5 फोरन ले ली हूँ। मैं इसको डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम डाल दिए हैं 5 फोरन। हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च भी डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज को। देखिए फ्रेंड्स, हम प्याज जो काट के रखे थे उसको हम डाल दिए हैं और मैं इसको सुनहले होने तक फ्राई करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। फ्रेंड्स, मैं 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। ओके, इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो डाले थे वो भी फ्राई हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा मसाला यूज नहीं करती हूँ और मैं थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला यूज करूँगी, बस इतना ही डालती हूँ और कुछ नहीं इसमें मैं डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डाल दी हूँ। अब मैं जो आलू मैश करके रखी थी वो डालूंगी और उसको फ्राई करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें आलू डाल दिए। मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हम सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। ये देखिए, मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें नमक भी डाल दिए, मिला दिए। देखिए मेरा चोखा आलू का चोखा कितना अच्छे फ्राई हो गया है। देखिए इस तरह से। देखिए मैं अब गैस को कर दूंगी बंद और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब तक फिर मैं आटा का डो लगाऊंगी कचौड़ी बनाने के लिए। मैं आटा ले ली हूँ कचौड़ी बनाने के लिए। अब मैं इसमें नमक डालूंगी हल्का सा, क्योंकि आलू में भी तो नमक है, तो इसमें मैं एकदम हल्का सा नमक डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं पानी से डो लगा लूँगी। डो लगा के दिखाते हैं। अच्छा सा डो लगा लिए हैं और मैं इसको 1/2 घंटा के लिए रख दूँगी ढक के, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं कचौड़ियाँ तल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 1/2 घंटा हो गया, आटा सेट हो गया है। मैं इसका कचौड़ियाँ तलूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम आटा का लोई ले लिए हैं। मैं इसको ऐसे ऐसे गोल कर दूंगी और बीच से ऐसे कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें आलू भर लिए हैं। मैं इसको ऐसे गोल करके इसको बंद करूंगी इस तरह से। बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे बंद कर दूंगी। बंद कर लिए हैं। मैं इसको हल्का सा बेलूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बेल रही हूँ। देखिए इस तरह से बेल लिए हैं पुड़िया। इसी तरह से मैं थोड़ा सा मेरा फट गया, मैं इसी तरह से सारा पुड़िया बेल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो गया। मैं कढ़ाई रख दी हूँ। मैं इसमें अब पुड़िया डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें पुड़िया डाल दिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तलने लगा पुड़िया। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पुड़िया एकदम लाल हो गया है, कैसे फूला हुआ है। मेरे पुड़िया तल गई, पूरी तल गई है। मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से निकाल लेंगे और मैं फिर से इसमें डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पुड़िया तल गया है। देखिए फूले फूले मैं ऐसे सर्व की हूँ। ये मेरा धनिया का चटनी है।
प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।